क्या आपने सुना है माइक्रोग्रीन्स के बारे में? नहीं ना, इस कहानी के नायक शिवम प्रजापति और आर्यन शर्मा को भी नहीं पता था। लेकिन जब उन्होंने सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम के सेशन को अटेंड किया, तब उन्हें पता चला छोटे से घर में, छोटी सी जगह में, खाद हो या ना हो, हर सिचुएशन में हर कोई माइक्रोग्रीन्स अपने घरों में कैसे उगा सकता है, साथ ही अपने रोजाना के डाइट में कैसे शामिल किया जाए, जो इस कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के सेशन के बाद से मुझे पता चला हर किसी को सही न्यूट्रिशन मिलना बहुत ही जरूरी है ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए माइक्रोग्रीन सबसे अच्छा सोर्स है। तब से मैंने अपने घर में मूंग, मटकी, चना, राई, इस टाइप के बहुत सारे माइक्रोग्रीन उगाना शुरू किया। माइक्रोग्रीन्स को घर में उगाना बहुत ही आसान है। माइक्रोग्रीन्स की रेसिपी हेल्दी तो होती है, साथ में बहुत ही टेस्टी होती है। और जब भी मैं दुखी हो जाता हूँ या फिर किसी बात को लेकर चिंतित रहता हूँ तो मैं माइक्रोग्रीन्स को देखता हूँ, उनकी देखभाल में अपने आप को बिजी कर लेता हूँ और इससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और ये खुशी दुगुनी तब हुई जब मेरी जानकारी देने के बाद मेरे पड़ोस के नीरज आंटी और आफरीन दीदी और मेरे दोस्त ओंकार ने यह माइक्रोग्रीन्स लगाया। मैं माइक्रोग्रीन्स उगाता रहता हूँ। माइक्रोग्रीन मेरे फैमिली के डेली के डाइट का हिस्सा बन चुका है।